अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ धाबीजी रेलवे स्टेशन पर और मैं यहाँ पर KCR 1UP में आया था, जिसमें मैंने एयरपोर्ट से लेकर धाबीजी तक का सफर किया था और उस व्लॉग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा कि मैंने अपना पूरा दिन धाबीजी में कैसे स्पेंड किया, और अगर आप लोग अकेले आते हैं या अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो धाबीजी में अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो उस व्लॉग का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। तो चलें अब बात कर लेते हैं अपनी वापसी की। तो KCR 1UP जो सुबह धाबीजी आती है, वही KCR 4 डाउन बनके शाम में धाबीजी से कराची जाती है, और जो इंजन सुबह KCR 1UP को लेकर आता है वही इंजन KCR 4 डाउन को लेकर जाता है। इसी तरह जो इंजन KCR 3UP को कराची से लेकर धाबीजी आता है वही KCR 2 डाउन को सुबह धाबीजी से कराची लेकर जाता है। तो इस वक्त मेरी ट्रेन का इंजन यानी कि GME 3412 आ चुका है धाबीजी रेलवे स्टेशन पर, और वो इस ट्रेन को शंट करके अब प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। तो इस वक्त तकरीबन 4:05 हैं और हमारी ट्रेन शंट होकर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है, यानी कि 10 से 15 मिनट प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, क्योंकि यहां से KCR 4 डाउन का निकलने का वक्त है 4:10 का। तो चलें 4:10 होने का वेट करते हैं। तो 4:12 पर हम यहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं GME 3412 के साथ। और हमारा स्टेशन है ये धाबीजी रेलवे स्टेशन। तो ये व्लॉग ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर 2 व्लॉग्स बना चुका हूँ जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जितनी भी कन्फ्यूजन है, वो उन दोनों व्लॉग्स को देखने के बाद दूर हो जाएगी। इस वक्त मुझे लग रहा था कि हमारी ट्रेन को शायद बनकासिम रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर ले लिया जाएगा और 18 डॉन मिल्लत एक्सप्रेस को क्रॉस करवाया जाएगा, लेकिन जब हम बनकासिम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो हमारी ट्रेन लूप लाइन पर नहीं लगी बल्कि मेन लाइन पर ही रुक गई, जबकि उस वक्त मिल्लत एक्सप्रेस बिल्कुल मेरी ट्रेन के पीछे ही चल रही थी।
तो बिनकासिम रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद मुझे लग रहा था कि शायद रेटिन डॉन मिल्लत एक्सप्रेस हमें जुम्माकोट रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कर दे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे जुम्माकोट रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े। के साथ ही दोस्तों हम जुम्माकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और यहां पर भी हमारी ट्रेन को लूप लाइन पर नहीं लिया गया बल्कि हम लोग मेन लाइन पर ही स्टॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मिल्लत एक्सप्रेस हमें यहां पर भी ओवरटेक नहीं करने वाली। तो अगली उम्मीद यही है कि मिल्लत एक्सप्रेस हमें अब लांडी रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करेगी। चलें अब वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन लांडी आउटर पर ही रुक गई और शायद ट्रैक्स वगैरह चेंज हो रहे थे इस वजह से हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोका गया। और फिर कुछ ही देर में जब हम चलने लगे तो हमारी ट्रेन लूप लाइन की तरफ जाने लगी। तो वहीं मैं समझ गया कि अब हमें 18 डॉट मिल्लत एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी। क्रॉस है। तो 18 डॉट मिल्लत एक्सप्रेस का भी लांडी जंक्शन पर स्टॉप है तो एक फास्ट ओवरटेक तो हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला। जबकि अगर हमें बिनकासिम या जुम्माकोट रेलवे स्टेशन पर 18 डॉट मिल्लत एक्सप्रेस ओवरटेक करती तो वहाँ पर हमें एक अच्छा ओवरटेक देखने को मिलता। लेकिन खैर अब यही ओवरटेक इन्जॉय कर लेते हैं।
दोस्तों, मैं था KCR 4 डाउन में, तो इसे ग्लानी जंक्शन पर इसे लूप ट्रैक पर ले लिया गया है, यानी कि KCR 4 डाउन को, और हमें क्रॉस कर रही है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर लगा हुआ है HGM 28205, जो कि आज तकरीबन 7 से 8 घंटे लेट है। और उसकी वजह यह है कि पंजाब में काफ़ी फॉग पड़ रही है, सिंध में भी काफ़ी फॉग है, जिस वजह से ट्रेन वगैरह सब लेट हो रही हैं। और अभी तक कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन कराची नहीं आई है, यानी कि बिजनेस ट्रेन हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, और इसके अलावा कराकरम हो गई, सर सैद एक्सप्रेस हो गई, रहमान बाबा हो गई, और शाह हुसैन एक्सप्रेस हो गई। ये सारी ट्रेन अभी तक कराची नहीं पहुँची हैं। ये पहुँचने वाली पहली ट्रेन होगी, जो कि है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। तो अब ये लांडी से निकल रही है, चले इसका डिपार्चर कैप्चर कर लेते हैं। तो 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि लाला मूसा से लेकर कराची तक चलती है, और ये ट्रेन तकरीबन पूरी इकोनॉमी क्लास है, और इसमें सिर्फ 2 बिजनेस क्लास के कोचेस लगे होते हैं। तो जब मिल्लत एक्सप्रेस का एक व्लॉग बनेगा, उसमें इस ट्रेन की कंप्लीट डिटेल आएंगी। दोस्तों 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस यहाँ से जा चुकी है, लेकिन इसी के पीछे से अभी एक और ट्रेन आ रही है, यानी कि डाउन में हमारे पास एक और ट्रेन आ रही है। तो देखते हैं वो कौन सी ट्रेन होगी, जिसकी अभी से मुझे लाइट्स दिख रही हैं, और ये नहीं पता कि वो कौन सी ट्रेन है। तो चलें अभी देखते हैं कि वो कौन सी ट्रेन होगी। दोस्तों ये देख सकते हैं आपके एक और ट्रेन आ गई, जो कि है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, और KCR हमारी वहीं अपने लूप ट्रैक पर ही खड़ी हुई है और अपने सिग्नल का वेट कर रही है। तो बिजनेस ट्रेन की अगर बात करें, तो बिजनेस ट्रेन तकरीबन 6 से 7 घंटे लेट है, और आज इसकी लीड पर लगा हुआ है मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AGE 36009। तो चलें आज इसका डिपार्चर कैप्चर करते हैं। और याद रहे कि ये 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे ही आई है, यानी कि 34 डाउन और 18 डाउन बिल्कुल ही आगे पीछे चल रही थी। तो चलें अब इसका डिपार्चर कैप्चर करते हैं।
तो दोस्तों, अगर पाक बिजनेस एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है। और इस ट्रेन में अगर क्लासेस की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और एसी स्टैंडर्ड के कोचेस लगाए जाते हैं। और इस ट्रेन का किराया आम ट्रेनों से ज़्यादा है, यानी अवामी तेजगाम खैबर मेल से ज़्यादा रखा गया है, जबकि सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से कम है, यानी कि कराकरम ग्रीन लाइन इन ट्रेन से इसका किराया कम है। तो जब बिजनेस एक्सप्रेस में सफ़र करेंगे तो इसकी डिटेल भी उसी व्लॉग में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त तकरीबन आधे घंटे रुकने के बाद, दो ट्रेन को ओवरटेक करवाने के बाद हमारी ट्रेन KCR 4 डाउन लांडी जंक्शन से निकल रही है। और अब हम कुछ ही देर में क्रॉस करने वाले हैं मलीर रिवर ब्रिज और उसके बाद पहुंचने वाले हैं मलीर रेलवे स्टेशन पर। तो इस वक्त अब KCR 3 का भी टाइम हो रहा है और इसी के साथ ही 7 तेजगाम एक्सप्रेस का भी टाइम हो रहा है। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें पहले क्रॉस करेगी और दूसरी ट्रेन हमें मिलती भी है या नहीं। दोस्तों, मलीर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई KCR 3 से, जो कि कर्व होने की वजह से अचानक ही सामने आ गई।
तो वायरलेस गेट का गर्फ कंप्लीट करने के बाद ही मुझे सामने से लाइट दिखना शुरू हो गई ZU-30 की, जो कि लीड पर था 7UP तेजगाम एक्सप्रेस के। तो दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर, और इसी के साथ ही मेरा सफ़र एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर ख़त्म हुआ है। तो अब वक्त है ट्रेन को अलविदा कहने का, इसी के साथ ही आप लोगों को भी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही हो।